हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए हुए हैं छत पे, मैं और मम्मी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। टंकियां भरने आए थे वैसे तो हम लोग, और पौधों को पानी डालने, एक दिन छोड़कर एक दिन डाल रहे हैं पौधों में पानी। और ये रही मेरी मम्मी, वो घूम रही थी, मतलब छत पे घूम रहे थे और टंकियों के वॉल चेंज कर रहे थे अभी। और अभी ना यहाँ पर कबूतर घूम रहे थे ये शेड के ऊपर, दिखते नहीं है वो, अपन जाओ पास में तो वो छुप जाते हैं। और मैं आते हैं और मैं आपको चांद दिखाती हूँ। ढलानी है लेकिन चांद आ गया है, देखो ये देखो चांद भी आ गया है। और दूसरी साइड सनसेट हो रहा है, आप लोगों को सनसेट का व्यू दिखाती हूँ। हमारे वहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आपको जलेबी देखकर मुंह में पानी लाना हो तो। यहाँ सामने जलेबियाँ बन रही है लेकिन हम लोगों में से कोई भी नहीं खाता। मेरी मम्मी को ना वो जलेबी बनती है ना तो वो देखना बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनको जलेबियाँ इतनी पसंद नहीं है, मतलब इतनी खास नहीं पसंद है उन्हें। और ऐसे ही हम लोग छत पे घूम रहे थे और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लियर है, बादल नहीं है बिल्कुल भी। और इस टाइम ना बहुत सारे कबूतर चिड़िया ये सब आ जाते हैं यहाँ पर शेड पर, अभी एक उड़ के गया तो बहुत अच्छा लगता है। और वो टिटहरी रहती है ना वो तो बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर, और अभी वो हाँ कुछ दिनों से तो उसने आना बंद कर दिया है क्योंकि उसके बच्चे मर गए, वो कबूतर गया। दिखा नहीं इसमें, नहीं दिख रहा है, दिखा ये चिड़िया वगैरह को। हाँ अच्छा लगता है ना शाम। अब देखो कहाँ चली गई सब, कहाँ गई, ये अभी आएंगी, ये देखो ना ऊपर। और नहीं देखी पूछ, अच्छा इसके अंदर नहीं दिख रही। और ये देखो चिड़िया घूमती रहती है यहाँ पर, ये टाइम पर बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम यहाँ पर बैठना। और ये पाइप पड़ा है जिससे मैं पानी पिलाती हूँ, और मेरे पौधे यहाँ से इतने सुंदर लगते हैं शाम के टाइम, ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी तबीयत ठीक है तो यहाँ पर भी थोड़ा ठीक कर दूँ मैं, तो देखते हैं यहाँ पर मैं जिम बनाऊँ या इसको पूरा गार्डन तैयार करूँ, मैं कन्फ्यूज हूँ क्या करें यहाँ पर। गार्डन तो जिम कहाँ बनाऊँ, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। हाँ यहाँ गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम जाती है क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में भी आप उठोगे तो कितना जल्दी उठ सकते हो ना, 5:30 बजे से धूप आने लगती है, हल्का हल्का धूप का छिलका आने लगता है तो, और इतनी गर्मी होती है कि एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं होता है यहाँ पर। तो देखते हाँ यहाँ इतनी पतंग उड़ती है ना, दिखाती हूँ मैं अगर इसमें नहीं दिख रही है, मैं पतंग नहीं दिख रही है। हाँ वो देखो पतंग, पतंग हाँ ठीक है, कितनी जोर की चिल्लाती है, इसकी आवाज़ बहुत तेज रहती है। उधर पतंगे उड़ गई हैं, एक पतंग कट गई है। और आज हमने टिटहरी को याद किया और टिटहरी आ गई हमारे यहाँ, बहुत इतनी आवाज़ करती है ना। और सबसे ज़्यादा भी हमको प्रॉब्लम हो रही थी जब उसने अंडे दिए थे तो मॉर्निंग से वो इतना चिल्लाना चालू कर देती थी कि हमारी नींद उसकी वजह से खुलती थी, वो इतने परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बच्चे क्या पता क्या हुआ उन्हें, पर वो मर गए, मतलब किसी जानवर ने मार दिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से छत पे नहीं आए थे क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती थी, जब भी हम लोग छत पे आ रहे थे तो वो परेशान हो जाती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए छत पे आना ही छोड़ देते, तो हम लोगों ने काफ़ी दिन नहीं आए। और उसके बाद देखा तो उसके बच्चे भी नहीं थे, एक बच्चा मरा हुआ दिखा था हमको खाली, तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उसके बाद से मेरा मन तो ये हो गया है कि मैं यहाँ पर कोई भी चिड़िया को अंडे नहीं देने दूँगी, मतलब कोई भी चिड़िया अगर मेरे रहते हुए ऊपर छत पे दिखी ना तो मैं उड़ा देती हूँ। आजकल यहाँ पर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि चिड़िया ना आए, ज़्यादा चिड़िया ना आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे अगर कोई
चिड़िया या किसी भी चीज़ के मतलब जानवर के बच्चे मर जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। चलो अब हो रहा है खाने का टाइम, हम लोग चलेंगे नीचे, खाना बनाना है क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं। और ये देखो अभी शांति से बैठा है एक कबूतर, और ये देखो दूसरा आ गया। ये ना दिन भर यही चलता रहता है हमारे। और ये चांद चंद्र दर्शन देखो कितना अच्छा सीन लगता है ना सुबह। हाँ कितनी सारी चीज मैं देखो चांद को दिखा रही हूँ। अरे आजकल मतलब पूनम आने वाली है ना, तो अब आ जाता है। करवा चौथ के दिन नहीं आएगा। हाँ करवा चौथ के दिन नहीं आएगा। हम दोनों बैठे हैं खाना वाना बना के फ्री होकर, केबीसी देख रहे थे। अभी पापा नहीं आए घर पे इसलिए, तो थोड़ी देर से खाना खाएंगे। खाने में ऐसा कुछ खास नहीं बनाया आज, बना तो मेरा फेवरेट है मूंग दाल बनी है, और टमाटर की चटनी बनी है। अलग तरीके की थोड़ी सी बनाते हैं हम लोग, वो सब्जी जैसी रहती है। और तंदूरी रोटी बनी है। हाँ और तंदूरी रोटी बनी है, मतलब हम दोनों के लिए बन गई है, पापा के लिए बनना बाकी है। क्योंकि ना वो थोड़ा गरम गरम रहती है ना, तो अच्छी रहती है। मतलब हमने दो बना के रख लिए, और बाकी तो जब पापा आएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम तंदूरी रोटी खाने में ही मज़ा आता है। और आज हमने दोनों ने सेम कलर पहना है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा हमारे पास तीन चार टी शर्ट। हाँ इस कलर की भी तीन चार टी शर्ट है, और हमारी कलर में पसंद बहुत अच्छी है ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी देर से अब देखते हैं कि कब तक आते हैं पापा। आज उपास भी था तो भूख भी लग रही है मुझे। अभी तो 9 बजे लेकिन भूख लगने लगी है, और खाना बनाने हाँ इस टाइम तक आ जाते हैं, लेकिन कुछ काम में बिजी हो गए होंगे। और खाना बनाने के बाद मैंने शावर ले लिया है, और अभी बाल नहीं झाड़े मैंने, क्योंकि शाम के टाइम बाल नहीं झाड़ते हैं, तो वो नहीं झाड़े, बस हाथों से ऐसे कर रही हूँ बैठे बैठे कब से। देखो हमारे पास, और एक और चीज दिखानी है आपको, जब लाइट चली जाती है तब तो ये यूज करते हैं। आज दिन में लाइट चली गई थी, हम लोग मतलब हम लोग दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और लाइट चली गई। और ऐसे मैं बहुत सारी चीज दिखाऊंगी जो हमारे वहाँ यूपी से आती हैं। वो ये चाची ने लिया था। ये चाची हम लोग वहाँ जब भी जाते हैं हमारे रिश्तेदार, ऐसे पंखे टोकनियाँ और बहुत सुंदर सुंदर चीज। मुझे ना ये बनाना सीखना है, लेकिन मुझे कभी भी लाइफ में इतना वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ जाकर सीख पाऊँ, और ना ही मम्मी से सीख पाई मैं। क्योंकि ना जो ये मिलता है ना ये बांस, और ये तो चलो ये सिंपल वो बोदी रहती है, खाद की बोदी जो रहती है उस पे बना है, लेकिन जो ये बांस वाला है ना ये नहीं मिलता मुझे। तो अगर मुझे सीखना रहेगा तो मुझे यूपी जब जाऊंगी तब लेकर आऊंगी वहाँ से, और मैं आप लोगों को भी लेके जाऊंगी। हाँ मैं आप लोगों को भी लेके जाऊंगी, हमारे गांव काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में। इस समय नहीं जा सकते ना, चावल की खेती कट गई है। हाँ तो चावल की खेती भी कट गई है। और ये देखो आप लोगों को आवाज आ रही होगी, हमारे वहाँ सब्जी बेचने का नया तरीका, वो क्या कहते हैं उसको, माइक लेकर वो सब्जी के लिए चिल्लाता है कोई सब्जी वाला है, मतलब आलू टमाटर पूरा दिन ये आवाज आती है। सब्जी वाले भैया का सुबह 10 बजे से शुरू होता है वही, और इस टाइम तक मतलब सोचो वो कितनी मेहनत करते हैं, इस टाइम तक चिल्लाना इंसान थक जाता है। मैं तो आधा घंटा अगर बोलती हूँ ना तो ही थक जाती हूँ। तो चलो हम दोनों बैठ के देखते हैं केबीसी, आप लोग भी देखो केबीसी, और फिर हम लोग खाना खाएंगे। देखो पापा कब तक आते हैं, लेट आएंगे तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं कब तक आते हैं। पापा आ गए घर पे और आराम कर रहे हैं। और आज वो क्या लेकर आए हो? सीताफल। हाँ वो सारे सीताफल लेकर आए।
मेरी फेवरेट चीज़, मेरी और मम्मी की फेवरेट चीज़, और अभी अभी पापा को भी अच्छे लगने लगे सीताफल, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए इतने सारे सीताफल लेकर आए, पूरे पैकेट मैंने खोले नहीं है, ये वाला पैकेट खोल के देखा है, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, इंदौर से लेकर आए यहाँ पर। हाँ, मेरा फेवरेट फ्रूट, और जो बोल रहा है ना उनका तो मुझसे भी ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है। जिस इंसान ने बोला ना कि ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, मेरा तो है ही सही, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा है ना। अब मैं केबीसी देखने जा रही हूँ, तो अगली मुलाकात मॉर्निंग में होगी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है फ्राइडे 30 अक्टूबर, और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ही बिग बास्केट के सामान से हुई। मैं जब उठी तो ये सब सामान बाहर रखा था, तो मम्मी ने कहा कुछ देर में उठा लेना, मतलब काफ़ी देर हो गई है रखे रखे बाहर। सुबह 7 बजे आ गया होगा, अब तो 8 बजने वाली है, क्योंकि हमको नहीं पता वो लोग बाहर रख के चले गए थे, तो सामान में थोड़ी देर में उठा लूँगी, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये सब चीज़ें मंगाई हैं मैंने, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, घर की चीज़ें हैं जैसे पोहा और बेसन वगैरह। और सबसे ज़्यादा स्पेशल वन फूड मेयोनीज, ये मेरी फेवरेट है, और एक ये मेरे लिए आया है लिप बाम, और पनीर मेरे लिए आया है। बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, भिंडी मंगाई है मैंने, टमाटर मंगाए हैं, और शक्कर मंगाई है वहाँ से बिग बास्केट से, जो बीबी बास्केट, वो मतलब बीबी उनका खुद का ब्रांड है ना, वो वाली शक्कर बहुत अच्छी आती है। और एक ये मंगवाएं स्कॉच ब्राइट के व्हीट वाइप्स, ये काफ़ी यूज़फुल है, जिसके घर में ग्लास की चीज़ें ज़्यादा हैं और किचन क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मैं 2-3 बार से ये मंगवा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे आए हैं। तो पिछली बार मैं बता रही थी कि मैंने जो चीज़ मंगवाई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इस बार मैंने टाटा संपन्न की मंगवाई, क्योंकि पिछली बार मैंने एक पैकेट मंगवा के रखा था छोटा 200 ग्राम का, तो अब भी मैंने उसे ओपन किया और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मंगाई है मैंने बेकिंग पाउडर, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है घर में, बाटी वाटी बनाने में हर चीज़ में लगता है। दिखा दिया पालक पनीर, और एक ये फर्स्ट टाइम ये मंगवाया मैंने पालक पनीर, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था पालक पनीर खाने का, पर हमारे वहाँ लोकल मार्केट में पालक बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने सुना तो है उसको बस मतलब पानी में डालना है और रेडी हो जाएगा, मतलब माइक्रोवेव कर सकते हो आप, गर्म पानी में कुक कर सकते हो, बस इतना सा प्रोसेस है इसका, तो ये ट्राई करूँगी मैं, देखते हैं कैसा है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ढेर सारा बहुत सारा डेटॉल 1.5 kg का मंगवाया था मैंने, तो बस यही नॉर्मल सी ग्रॉसरी है घर की। अभी मैं कुछ दिनों से बिग बास्केट से ही सामान ऑर्डर करती हूँ, और एक ये लैक्मे लिप ग्लॉस मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैंने मंगवाया ही इसलिए क्योंकि मुझे देखना था कि ये कैसा है। उससे पहले मैं मैबलिन का बेबी लिप बॉम यूज़ कर रही थी, तो देखते हैं। इसमें ऐसा कहा है कि इसके कलर, मतलब लिखा है कि इसका कलर बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा रहता है, मैंने ऐड वगैरह में भी देखा है कि इसका कलर बहुत अच्छा, जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। अब देखते हैं, अभी मतलब थोड़ी देर से यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे करना है ब्लॉग एंड, और आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊँगी, पोहा। हम लोग मतलब स्पेशली मेरा पोहे के बगैर, अगर वीक में कम से कम 3 से 4 बार पोहा नहीं मिले ना तो मेरा नहीं चलता। मुझे पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन इंदौर में जो भी लोग रहते हैं उन्हें पोहा हद से ज़्यादा पसंद होता है। और मम्मी को क्या पसंद है नाश्ते में, मम्मी को वर्मेसली पसंद है, उनको वैरायटी पसंद है बस,
वो कभी भी एक ही चीज नहीं खा सकती, मतलब ये दोनों डेली एक ही, और हम दोनों डेली एक चीज खाते। मम्मी को ना रेगुलर ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो चलो अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, और आज मेरी छुट्टी है तो मैं दिन में भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।